जी तो गाइस बात करेंगे कि औरों में दम कहाँ था मूवी को लेकर। जी हाँ, इसकी आजकल क्या हालात जा रहे हैं, क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आ रही है, क्या ये मूवी लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं, इसके अलावा इस मूवी की कितने ज़्यादा फैन बेस अभी तक बनी हुई है। क्योंकि आपको पता है कि ये मूवी स्टार्टिंग से जब से इसका ट्रेलर आया था लोग कह रहे थे कि भाई ये मूवी फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि भाई इसका जो एक आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 90s के दौर का कॉन्सेप्ट था। हालांकि आजकल मास ऑडियंस है एक्शन वाली मूवी देखना पसंद करती हैं, चाहे वो शैतान मूवी रीमेक क्यों नहीं थी, अजय देवगन की थी, काफ़ी ज़्यादा चली, क्योंकि भाई उसमें एक तरह का जिस तरह की इन्होंने एक्टिंग की और जिस तरह का कॉन्सेप्ट था ना मूवी का उस पर कंप्लीट पूरा उतरे थे। हालांकि उस मूवी को पहले इतना लोगों ने नहीं देखा था, इसका जो ऑफिशियल मूवी थी, लेकिन इसके बावजूद भाई जब इन्होंने औरों में दम कहाँ था मूवी की है, अब ये मैंने चेक किया भाई बिल्कुल भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, मूवी की डायरेक्शन अच्छी है, मूवी में इमोशंस अच्छे ऐड किए गए हैं, लेकिन ये मूवी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। अब इसकी बात करें कि इसकी कलेक्शन किस तरह की निकली है, भाई कलेक्शन आपको पता है कि जब कोई मूवी चली नहीं फ्लॉप हो गई उसका कलेक्शन क्या निकलेगा, ये कोई 30-40 करोड़ या फिर 20-30 करोड़ मूवी ने कमा लेने हैं। मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ अपनी, उसके बाद इस मूवी के थिएटर बंद हो जाने हैं और अजय देवगन के करियर में एक और फ्लॉप का चिकअप जाना है। जी हाँ, अब आगे इनकी नेक्स्ट आने वाली मूवीज़ का भी वेट करते हैं कि भाई अजय देवगन क्या स्टेप लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लोग कहते हैं कि भाई इनका रीमेक के साथ कुछ अलग ही रिश्ता है अजय देवगन का। जिस भी मूवी का रीमेक करते हैं वो मूवी इनकी हिट होती है, चाहे दृश्यम आप देख ले, दृश्यम का पता नहीं किन किन कंट्रीज़ में तकरीबन पता नहीं 3 से 4 कंट्रीज़ ने इस मूवी का ऑफिशियल अपना रीमेक बनाया, 4 से 5 वर्जन इस मूवी का पड़े हैं, उसके बाद इंडिया में रिलीज़ हुए हैं वो भी हिंदी लैंग्वेज में। अब जब दृश्यम मूवी रिलीज़ हुई है तो भाई आपको पता है कि वो मूवी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, दृश्यम 1 भी ब्लॉकबस्टर गई, दृश्यम 2 भी ब्लॉकबस्टर गई, उसके बाद इन्होंने रीमेक की शैतान मूवी भी ब्लॉकबस्टर की। अभी इन्होंने नेक्स्ट ये जो अपने कोई फ्रेश कॉन्सेप्ट वाली भाई आप मूवी करें, लेकिन उसका यह कि आप एक्शन तो डालें, एक्शन बेस बनाएं। अब 90s की आप कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो मूवीज 90s वाली आज के दौर में तो नहीं चलने वाली।